देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिंदु को डबल डबल सौगात दी है। आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि वो हमारे बिंद के, हमारे रीवा के दामाद हैं, इसलिए बिंदवासियों को वो बहुत बड़ी खुशी उसकी भी है। और हमारे बिंद के जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, विकास के पर्याय, हम सबके अग्रज माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को इस बार डिप्टी सीएम का जो पद केंद्रीय नेतृत्व, तो प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, इससे पूरे बिंद में लोगों में हर्ष व्याप्त है और खुशी की लहर है। क्योंकि जो विकास की यात्रा आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में पूरे बिंद में प्रारंभ हुई थी, उस विकास यात्रा को अब नए पंख और लगेंगे। और जब हमारा नेता अब डिप्टी सीएम ही हो गया है तो बहुत सारे निर्णय उनके हाथ पे होंगे, इसलिए हम बिंदवासी गौरव से बिल्कुल उत्साहित हैं और हम लोग उनको ढेर सारी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जश्न का माहौल है और रीवा ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में अत्याधिक जश्न का माहौल है। लोग प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और एकदम हर्ष से व्याप्त हैं। जी सब अच्छा रहेगा। ऊपर के नेतृत्व ने अगर कुछ निर्णय लिया है, सोच समझ के निर्णय लिया है और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है नए मुख्यमंत्री जी, उनकी जो नई कैबिनेट है वो बहुत अच्छा काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास के साथ साथ सुशासन के काम किए जा रहे थे वो और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आपने रीवा के लोकप्रिय विधायक, बिंद के नायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और देवड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब,